फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 25 में हम लोग सीखेंगे हैंड टूल, रोटेट टूल और जूम टूल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हैंड टूल है, इसके अंदर एक रोटेट टूल होता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, और उसके नीचे ये जूम टूल है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये कलर पैलेट को कैसे यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली, इसका क्या फंक्शन होता है और इसका कुछ शॉर्टकट क्या होता है, इन चीज़ों को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हैंड टूल के बारे में जानते हैं, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका शॉर्टकट्स क्या क्या होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाएगा, इसका शॉर्टकट होता है एच। एच अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद किसी भी टूल को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो जाती है, वो हम लोगों को पहले से मालूम है। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल ऑल विंडो कर देंगे तो ये सभी एक साथ स्क्रॉल होने लग जाएगा। ये ऑल विंडो का मतलब ये होता है कि इसी को अगर हमने दो विंडो में ओपन करके रखा है, जैसे अगर मैं विंडो अरेंज कर दूँ और यहाँ पर टू कर दूँ, तो इस तरह से हमने दो विंडो में दो चीज़ों को ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक साथ स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर देंगे तो दोनों एक साथ स्क्रॉल होगा। ये देखिए दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहा है ऐसे। तो एक एक विंडो को अलग अलग आप कर सकते हैं, या दोनों विंडो को, या मल्टीपल विंडोज़ हैं उन सभी को एक साथ करना चाहते हैं तो आप इसको चेक करके कर सकते हैं। और यहाँ से किसी एक विंडो पे काम करना है तो हम लोग इसको अनचेक कर देंगे और जिसको चाहें उसको इधर उधर कर सकते हैं। इसको करना है, इसको भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। अब इसे हटाना है तो नॉर्मली इसको कट कर लेंगे, ये हट जाएगा और एक विंडो रह जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आपने साथ ही साथ ये भी सीख लिया कि दो विंडो को कैसे ओपन करना चाहिए। विंडो में जाकर अरेंज में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शंस होता है, इन सभी को यूज़ करके अलग अलग विंडो में ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी में यहाँ पर है एक्चुअल पिक्सल्स। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये जो इमेज है, एक्चुअल पिक्सल जितने भी हैं वो हमारे पास दिखने लग जाएंगे, यानी 100% पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग फिट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हो जाएगी ये तस्वीर। ये देखिए हो गई। अगर मैं यहाँ पर फिल स्क्रीन करता हूँ, जैसे ये मैं छोटा कर दिया और फिल स्क्रीन करना चाहता हूँ, फिट स्क्रीन अलग चीज़ है, फिल स्क्रीन मतलब कंप्लीट फिल हो जाएगी। ये देखिए। और प्रिंट साइज़ कितनी बड़ी ये तस्वीर है अगर देखना है तो प्रिंट साइज़ पर क्लिक करेंगे तो मालूम होगा इतनी बड़ी दिखेगी प्रिंट होने के बाद। तो ये हैंड टूल की प्रॉपर्टी थी जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैंड टूल है जिसको यूज़ किया जाता है, वो ऐसे कि अगर मैं कोई दूसरे टूल पर हूँ, सपोज़ हमने पेन टूल यूज़ करना है तो मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अगर इसको यूज़ करते हुए हैंड टूल यूज़ करना है तो स्पेस बार प्रेस करेंगे, ऐसे अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे तो ये हैंड टूल में बदल जाएगा। ये देखिए पेन टूल पर है लेकिन हैंड टूल में बदल जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट्स थे हैंड टूल का वो सभी हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटेट टूल के बारे में। ये रोटेट टूल का शॉर्टकट होता है R, याद रखेंगे R से रोटेट टूल होगा। जैसे मैं किसी भी टूल पर हूँ और R प्रेस करते के साथ रोटेट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब ये रोटेट टूल का क्या यूज़ है वो समझिए। जैसे कोई एक तस्वीर है और आप इसे 360 डिग्री पर घुमाना चाहते हैं तो आप इसे घुमा सकते हैं। ये देखिए रोटेशन एंगल है 0 डिग्री, इसको किसी भी डिग्री पर घुमाया जा सकता है। इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आने के बाद अगर राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो ऐसे, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इस तरह से घूमेगा ये। दूसरा घुमाने का ऑप्शन है, ये जो डिग्री लिखी गई है इसको भी डायरेक्टली पकड़कर आप घुमा सकते हैं ऐसे चारों तरफ से। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हैं, और इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रोटेशन का, और जितना भी रोटेट आपने कर लिया और बाद में इसको ओरिजिनल स्क्रीन पर लाना है तो आप रीसेट व्यू पर क्लिक कर देंगे तो पहले जैसी तस्वीर थी वैसी हो जाएगी। यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रहा है रोटेट ऑल विंडोज़, यानी कि इसी को हमने 2-3 विंडो में ओपन करके रखा है तो सभी को एक साथ रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट करने का फ़ायदा क्या होता है ये जानिए। अगर हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं और इसका सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ ऐसे क्लिक किया और ये मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ ऐसे,
अब यहां तक हमने पेन टूल से सिलेक्शन कर लिया, अब अगर मुझे यहां से नीचे इस तरफ का सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करने में दिक्कत होगी, तो उससे बचने के लिए हम लोग रोटेट टूल का यूज करते हैं। अगर आपने आर प्रेस करके इसको घुमाया तो घूम जाएगा, और आर जैसी छोड़ेंगे ऑटोमेटिक ये पेन टूल पर चला जाएगा। देखिए पेन टूल पर आ गया, अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। पेन टूल के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी है। अब फिर से मुझे इधर जाना है तो आर प्रेस करेंगे, घुमा लेंगे और फिर से पेन टूल पर आ जाएंगे। तो शॉर्टकट तरीका है कि आर बार बार यूज़ करें और इस तरह से सिलेक्शन करते चले जाएं। देखिए फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब यहाँ लाकर मिला देंगे ऐसे। अब ये पाथ क्रिएट हो गया, वापस आना है हमें उस पर, तो रोटेट टूल पर आ जाइए और रीसेट व्यू पर क्लिक कर दें। ये आपके 100% 0 डिग्री पर आ जाएगा, और ये पाथ आपने जो क्रिएट किया था ये पाथ जैसे बनी थी वैसी है। कंट्रोल एंटर से आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लें, और इसके बाद अगर इमेज को कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। तो ये रोटेट टूल का फायदा है। तो आई थिंक रोटेट टूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जूम टूल को कैसे यूज करना चाहिए। नॉर्मली जूम टूल का शॉर्टकट जेड होता है, अपने आप कीबोर्ड से जेड प्रेस करेंगे तो जूम टूल पर पहुंच जाएंगे। जूम टूल की दो प्रॉपर्टी होती है, प्लस और माइनस। सबसे पहले आप इसको जान लें, प्लस आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये प्लस होता जाएगा, और अगर आपने यहाँ माइनस सेलेक्ट करके रखा तो ऑब्वियसली माइनस होता चला जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है। अगर हम लोग प्लस पर हैं और ऑल्ट प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करते जाएंगे और माइनस में हो जाएगा, और जैसे ही हमने ऑल्ट छोड़ा ये प्लस में हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे ये जूम होता चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसाइज विंडोज टू फिट। इसको अगर आप चेक करते हैं तो आप अपने किसी भी विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मली स्क्रॉल व्हील से कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जूम ऑल विंडोज। ये जैसा कि हमने इन दोनों टूल्स में बताया था उसी तरह से इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई विंडोज़ ओपन करके रखा है, उन सभी को एक बार जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रबी जूम ये चेक किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये समझें। अगर ये चेक किया हुआ है और अपने जूम टूल को मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा ऐसे, तो जहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ वही पोर्शन जूम होकर के स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन से हट जाती है। और अगर आपने इसको हटा दिया, जैसे मैं कंट्रोल ज़ीरो से, एक चीज़ और याद रखें यहाँ पर, कंट्रोल ज़ीरो से फिट ऑन स्क्रीन होता है, ये देखिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ज़ीरो, और कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो ये 100% पर हो जाएगा, ये देखिए। तो नॉर्मली मैं कंट्रोल ज़ीरो पर हूँ और स्क्रबी जूम को मैं बंद करता हूँ। अब अगर हम लोग जूम टूल को क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन बन जा रहा है, और ये सिलेक्शन बनने से होगा क्या ये समझे। जितना सिलेक्शन बना है वही एरिया स्क्रीन पर दिखेगा, ये देखिए। और सिलेक्शन अगर हम लोग और छोटा बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा जूम होगा, ये देखिए। और सिलेक्शन को जितना बड़ा बनाएंगे उतना बड़ा ये होगा, ये देखिए। अगर इतना बड़ा सिलेक्शन बनाया तो यही सिलेक्शन इस स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा, ये देखिए। तो आपको स्क्रबी जूम यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप ऐसे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं नॉर्मली। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है एक्चुअल पिक्सल्स का, जो अभी आप लोगों को बताया हमने कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये 100% पर आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिट स्क्रीन हो जाएगा, जो कंट्रोल ज़ीरो से भी होता है। दूसरा यहाँ पर है फिल स्क्रीन, ये फिल स्क्रीन हो जाएगा। प्रिंट साइज़ इस पर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी इमेज को अगर जूम आउट जूम इन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जूम टूल की पूरी प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग यहाँ पर जूम टूल से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानते हैं। जैसे मैं अपने स्क्रीन को जूम आउट जूम इन बार बार करना चाहता हूँ तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी टूल पर रहूँ जूम टूल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम लोग जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने माउस से स्क्रॉल को ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करेंगे तो ये तभी जूम आउट जूम इन होगा जब कुछ सेटिंग्स की गई होंगी तब। जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखिए जूम आउट जूम इन हो रहा है, मैं जूम टूल पर नहीं हूँ तब भी।
ये कैसे होता है इसके बारे में आपको आना होगा एडिट पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा जनरल का, इस पर क्लिक कर दें। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जूम विद स्क्रॉल व्हील, अगर आप इसको चेक करके रखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी टूल पर रहें जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, इसको आप चेक करके रखें। तो इस तरह से जूम टूल के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब उसके नीचे यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं कलर पैलेट का, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें फोटोशॉप में, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का। इन दोनों को ऊपर नीचे किया जाता है, उसके लिए ये जो छोटा सा कर्सर देख रहे हैं इस पर क्लिक करके किया जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे कलर ऑटोमेटिक होगा। इसका शॉर्टकट होता है एक्स, अगर आप अपने कीबोर्ड में एक्स प्रेस करेंगे तो भी ये ऊपर नीचे होगा। कोई भी कलर फिल करना है, जैसे मान के चले कि मैं यहाँ पर रेड कलर रखता हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड में हमने रखा ब्लू कलर, और मैं चाहता हूँ ब्लू कलर फिल हो और ऑल्ट ही ऑल्ट बैक स्पेस ही मैं यूज़ करना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं वहाँ बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक फेच नहीं करता है, फोरग्राउंड कलर ही फेच करता है। उस कंडीशन में आप एक्स प्रेस करके ऊपर नीचे कर सकते हैं और मैं ब्लू कलर फिल कर सकता हूँ, एक्स प्रेस करेंगे रेड कलर ऊपर फिल कर सकते हैं ऐसे। अभी तो ये कलरफुल है लेकिन मुझे चाहिए कि ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिक, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करें, डी प्रेस करेंगे, या यहाँ पर एक छोटा सा जो आइकन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं डी प्रेस करता हूँ, देखिए ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको अगर मैं कोई भी कलर फिलहाल करता हूँ, सपोज़ ये रेड है और ये ब्लैक है, इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए, या तो आप डी प्रेस करें या इस पर क्लिक करें तो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक टूल और है, इसको बोलते हैं क्विक मास्क। इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा, जब मास्किंग हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगा। यहाँ पर एक इसके नीचे जो सबसे नीचे टूल है इसको जानते हैं। जब आप इस पर क्लिक करके रखते हैं तो इसके अंदर तीन ऑप्शंस आपको मिलता है, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार और फुल स्क्रीन मोड। इन तीनों का शॉर्टकट होता है F। अगर आप अपने स्क्रीन पर सिर्फ देखना चाहते हैं अपने डिज़ाइन को तो फुल स्क्रीन कर दिया करें F प्रेस करके, यानी दो बार अगर F प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम है तो स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड जो अभी हमारे पास दिख रहा है, और अगर फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो इस पर दो बार क्लिक करेंगे F, और अगर हमने तीसरी बार F प्रेस किया तो ये कम्प्लीटली फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। जैसे मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, एक बार प्रेस करूँगा तो ये देखिए क्या होता है, इतना हो गया। उसके बाद एक बार और प्रेस करूँगा तो ये कम्प्लीट हो गया, एक बार और प्रेस करेंगे तो अपने वापस आ जाएंगे। तो एक बार में तो हम लोग इस स्क्रीन पर ही हैं, दो बार और प्रेस करते हैं तो हम लोग फुल स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर के जितने भी टूल्स थे ये सभी क्लियर हो गए, सिर्फ एक यहाँ पर रह गया है क्विक मास्क, इसको हम लोग मास्किंग में सीख लेंगे। कुछ एक दो टूल्स और रह गए, उसको मैं कवर करा करके फिर डिज़ाइनिंग पर हम लोग आ जाएंगे, फोटो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग फिर कंप्लीट तौर पर हम लोग सीखेंगे। तो आज के इस क्लास नंबर 25 के लिए इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।